नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 48। पेश है ये खास रिपोर्ट। पलवल जिला पुलिस द्वारा यातायात नियमों के बारे में स्कूली बच्चों को जागरूक करने के उद्देश्य को लेकर सड़क सुरक्षा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में पलवल जिले के विभिन्न स्कूलों के लगभग 1.5 लाख बच्चों ने भाग लिया। इस अवसर पर डीएसपी विजय पाल, ट्रैफिक SHO रविंद्र कुमार, प्रीतम सिंह भी मौजूद थे। डीएसपी विजय पाल ने बताया कि हरियाणा पुलिस द्वारा यातायात के नियमों के बारे में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को जागरूक करने के लिए हर वर्ष सड़क सुरक्षा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। हरियाणा प्रदेश के सभी जिलों में यह प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता में विभिन्न श्रेणी जिनमें 3री कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक, 6ठी से 8वीं कक्षा तक और 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक बनाई गई है। विजेता बच्चे ब्लॉक लेवल पर आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेंगे। उसके बाद जिला स्तर और प्रदेश स्तर पर प्रतियोगिता होगी। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। डीएसपी विजय पाल ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्देश्य स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को यातायात के नियमों के बारे में जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को यदि यातायात के नियमों के बारे में जागरूक हो गए तो यातायात के नियमों का पालन करेंगे, सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। जो हमारे बच्चों का एग्ज़ाम है, कंपटीशन क्यू कंपटीशन रोड सेफ्टी एग्ज़ाम है, इसमें पूरे हरियाणा के बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं और इसमें जो सिस्टम लेवल बनाए गए हैं वो 3री से 5वीं तक और 6ठी से 8वीं तक और 9वीं से 12वीं तक क्लास के लेवल हैं और सभी लेवल के बच्चे पेपर देंगे। इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो आएंगे उनकी छंटनी करके फिर ब्लॉक लेवल पे उनके एग्ज़ाम होंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर हरियाणा स्टेट लेवल पे एग्ज़ाम होंगे, तो उनको उचित इनाम दिया जाएगा। अब तक की खबरों में इतना ही। देखते रहिए न्यूज 48।